हीट वेव, बिहार का स्थिति भयावह, लू लगातार बढ़ रहा है और तापमान 47 से 48 डिग्री। और इस हीट वेव में बिहार में नया आयाम कायम किया जा रहा है, नई इतिहास रच रहा है। लोगों का मानना है कि 20 वर्षों का रिकॉर्ड टूट रहा है तापमान, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रहा। आज तक इतनी गर्मी में, इतनी लू में कभी विद्यालय नहीं चलाया गया, अगर चला भी तो उसे बंद कर दिया गया, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड बनकर ही रहेगा। हाँ, इसके बचाव के लिए अवश्य ही एक पत्र निकाल दिया गया कि अब विद्यालय जो है इस भीषण गर्मी को देखते हुए 6 बजे से 10 बजे तक चलेगा। उस पत्र के निकलने के बाद क्या राहत महसूस कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। पत्र निकाला गया कि 6 बजे से 10 बजे तक विद्यालय चलेंगे। क्या आप शिक्षक हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं तो राहत महसूस कर रहे हैं, बताइएगा। शेखपुरा, बेगूसराय, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, पटना, कई जगहों से मंगलवार, बुधवार को लगातार सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर खबरें चलाई गई। बच्चे बेहोश हो रहे हैं, अस्पताल तक पहुंच रहे। कई जिलों के डीएम साहब ने भी बताया कि बच्चे बीमार हुए। कई जिलों से पत्र भी निकाला गया कि 11 बजे से 4 बजे तक किसी प्रकार का कक्षा संचालन नहीं होगा। इसका मतलब है कि सचमुच त्राहिमाम की स्थिति। लेकिन बिहार का शिक्षा विभाग न जाने कौन सा मान प्रतिष्ठा बचाने में लगी हुई है और कौन से नियम के हवाला देने पर लगे हुए हैं कि चाहे तो आग लगे या तूफान या आग बरसे नहीं बख्शे जाएंगे। अलबत्ता पत्र निकालकर बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव डायरेक्टर निदेशक के द्वारा पत्र निकालकर यह जानकारी दे दी गई कि अब जो है 8 जून तक विद्यालय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चलेंगे और उसमें भी 10 बजे के बाद भोजन कराइए, भोजन करने के बाद स्कूल से बच्चे घर जाएंगे। तो अगर आधा घंटा का समय मिला है तो आधा घंटा 10 से 10:30 हो जाएगा, लेकिन मिशन दक्ष वाले पढ़ेंगे, विशेष कक्षा वाले पढ़ेंगे तो 45 मिनट 1 घंटा पढ़ेंगे, तो 10:30 से 11:30 तो बदला कहां समय। उसमें भी सभी चीज यथावत रहेंगे, यानी शिक्षक 6 बजे आएंगे, वो पत्थर के बने हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं, वो 1:30 बजे ही जाएंगे। अब कुछ काम भी नहीं है फिर भी शिक्षक 1:30 बजे जाएंगे। उस पर से भी इस भीषण गर्मी में आपको चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा, एफएलएन प्रशिक्षण में भेजा जाएगा, चहक प्रशिक्षण में भेजा जाएगा, चुनाव कार्य में भी लगे हुए। खैर, 1 जून के बाद 2 जून से चुनाव तो खत्म हो जाएगा। लगातार किसी न किसी रूप में शिक्षकों को दौड़ाते रहना है। अलबत्ता देखिए एफएलएन प्रशिक्षण की क्या है, आप कहां के शिक्षक हैं और कहां भेजे जाएंगे। 100 किलोमीटर भी भेजे जा रहे हैं शिक्षक को, वो नजदीक का जो उनका डाइट हो उससे थोड़ा सा दूर में भेज दिया जाए, दूसरे डाइट में भेज दिया जाए या दूसरे जिले में तो दूर भेज दिया जाता है। तो यह परेशान करने का एक खास मकसद यह शिक्षकों का भी मानना है। इधर शेखपुरा में जब छात्राएं बेहोश होने लगे तब अभिभावकों का भी बोला, हालांकि अभिभावक पर तो बोलना चाहते हैं लेकिन बेचारे अपनी गरीबी और लाचारी व्यवस्था के कारण बोल नहीं पाते, डरे हुए हैं कहीं मेरा बच्चा जो विद्यालय जाता है समय पर भोजन मिल जाता है, पढ़ लेता है, नाम नहीं, क्योंकि शिक्षक ही डराते हैं और शिक्षक को ऊपर से विभाग डरवा रहा है कि बच्चों को 90% उपस्थित होना जरूरी है, 90-95% उपस्थिति चाहिए और नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी, आपको वेतन बंद होगा, तो मास्टर साहब ही लगे हाथ और
आदेश भी आया था, तो नाम काटिए, नाम हटाइए। तो बोलते हैं बच्चे भी, कई बच्चों का जब नाम कटा तो भय व्याप्त हो गया है अभिभावक बच्चों, लाख भीषण गर्मी हो रही है लेकिन बच्चे आ रहे हैं। अब तो यह भी है कि बेंच मिल गया अधिकाधीश स्कूलों में, उसको बाहर बरामदे में भी नहीं बैठा सकते हैं, दरी वगैरह बिछवा, कहीं कहीं विद्यालय में पेड़ भी बाहर में बाउंड्री में है तो वहां भी नहीं बैठा सकते, कहीं कोई फोटो खींच के वायरल कर दिया तो हमें तो फंस गए कि बेंच रहते हुए दरी पर बच्चे को बाहर में बैठाया जा रहा है। तो लाचारी में क्लास रूम में जहां पंखे नहीं है, अगर पंखे अगर कहीं है भी तो उसमें इतनी गर्म हवा दे रहा है कि बच्चे अकबकाहट हो जा रहे हैं, कपड़ा जो है बच्चे को भींग जा रहे हैं, हर 10 मिनट पर बच्चे सर पानी पीने जाना, शिक्षकों से मांगा जा रहा है, बेचारे वो भी लाचार विवश, बोतल में पानी कहिएगा कि बोतल मिल गया है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा को, तो उसमें तो पानी तो लेकर कुछ बच्चे बैठ रहे हैं, घर से भी बोतल लेकर भी आ रहे हैं, लेकिन बस कुछ ही समय के बाद वो पानी गर्म हो जा रहा है, पीने लायक नहीं रह रहा, तो बच्चे चापाकल से चलाने जा रहे हैं। तो इस तरह का माहौल बिहार में बना हुआ है। शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री से इस पर एक्शन लेने की बातें की गई, तो अलबत्ता इस तरह के पत्र निकाल दिए गए, और इस मुद्दे पर करीब एक साल होने जा रहा है, 6 माह से तो लगातार शिक्षा विभाग से, शिक्षा का अभिभावक सभी गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री से, लेकिन मुख्यमंत्री बस एक ही चीज उनको माइंड में बैठ गया है कि शिक्षा विभाग जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। मंच खुले मन से भी, चुनावी मन से भी बोला गया कि आपके बच्चे गर्मी की छुट्टी में भी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि विभाग जो काम कर रहा है मुख्यमंत्री उसमें सहमत है, उनका भी उनका सहमति है। दूसरी बात, विधानसभा में भी उनके द्वारा कहा गया है कि के पाठक के संबंध में, एसीएस के संबंध में वो ईमानदारवती, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, लेकिन कुछ फैसले जो है मानवीय के रूप में लेना जरूरी होता है, मानवता के नाते लेना जरूरी होता है। हालांकि विचार बिहार में विद्यालय शिक्षण में सुधार हुए हैं यह भी मानना होगा, लेकिन सुधार के मतलब यह नहीं कि किसी की जान से खेली जाए। खैर, यह अपना अपना विचार है, शिक्षक विचार दे रहे हैं, अभिभावक विचार दे रहे हैं, कुछ तो अभिभावक यह भी कह रहे हैं कि मास्टरवा अब ये सजाएल। तो तर्क यह भी है कि वही अभिभावक यह कह रहे हैं जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में शायद नहीं पढ़ते, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं, और इस तरह के वह बयान, यह भी हमें शिक्षकों से ही ऐसी बात शिक्षक बता रहे हैं कि वही अभिभावक इस तरह के बयान देते हैं जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में उनके बच्चे पढ़ते हैं जो मास्टर साहब को गुरुजी मानते हैं, और वह तब तनातनी की स्थिति में आते हैं जब स्कूल से कुछ आर्थिक लाभ मिलना होता है, तब स्कूल पर पहुंचते हैं और अपने हक की बात करते हैं। तो इस प्रकार से कई लोगों ने कहा है कि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो निर्देशक हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के, यदि भ्रमित करने वाला पत्र निकाला गया है तो इस पर सुधार की भी मांग की गई है। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, इस पत्र की क्या आप नजरिया आप देखते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। भैया, तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं से आग्रह है कि कमेंट भर भर के दीजिए शिक्षा विभाग की ऐसे नीतियों पर, ताकि सरकार तक हर बात पहुंच सके और आपका जो शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, उससे मुक्ति मिल सके। इन चीजों के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपकी आवाज बुलंदियों के साथ उठता रहे। मिलेंगे फिर होगी चर्चा, फिर करेंगे आपसे बातें, आपसे होंगे रूबरू, मिलेंगे, धन्यवाद।